करीना कपूर खान चंडीगढ़ में फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रही है। शूटिंग के बीच वक्त निकालकर करीना अपने लाडले बेटे तैमूर के साथ कुकिंग में हाथ आजमाया। फोटोज में तैमूर और करीना एप्रन पहने और सिर पर शेफ वाली कैप लगाए नजर आ रहे हैं। शौकत कैफी का 22 नवंबर को निधन के बाद कल मुंबई में उनके प्रार्थना सभा पर कई बॉलीवुड सितारे आए। काजोल, तनिषा मुखर्जी, आमिर खान, अनिल कपूर, राकेश रोशन, जितेंद्र, बोनी कपूर सहित कई कलाकार श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मलाइका अरोरा को कंपेयर किया सिंगिंग सेंसेशन रानू मंडल के साथ। दरअसल मलाइका ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की जिसमें वो अपने मेकअप को लेकर ट्रोल हो गई। कुछ यूजर्स ने उनका सीधा कंपैरिजन रानू मंडल से किया। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर 2008 के 26/11 हमले की 11वीं बरसी पर हमले में मारे गए 166 लोगों को एक स्पेशल परफॉर्मेंस देकर श्रद्धांजलि दी। स्टेज पर उन्हें परफॉर्म करते देख भावुक हुए उनके बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन। सारा अली खान, जानवी कपूर और कटरीना कैफ को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान तीनों ही एक्ट्रेस कैजुअल लुक में नजर आई। सनी लियोनी भी अपने परिवार के साथ कूल अंदाज में स्पॉट हुई। रिलीज से पहले सलमान खान की दबंग 3 पर बैन लगने की मांग हुई है। दरअसल दबंग 3 का टाइटल ट्रैक हुड हुड में ऋषियों को सलमान खान के साथ डांस करते दिखाया गया है। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब इस गाने को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। समिति ने पूछा है कि सलमान खान ने जिस तरह से ऋषियों को नीचा दिखाया है, क्या वो मुल्ला मौलवी या फादर बिशप को इसी तरह नाचते हुए दिखाने की हिम्मत करेंगे। सैफ अली खान के 2 बार प्रपोज करने के बाद भी करीना कपूर ने सैफ का शादी का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। करीना ने खुद इस बात को एक इंटरव्यू में कबूला। करीना ने बताया कि सैफ ने टशन फिल्म के दौरान करीना को ग्रीस में और लद्दाख में प्रपोज किया था, लेकिन करीना ने इसलिए मना किया क्योंकि वो उन्हें और करीब से जानना चाहती थी। आज दोनों की शादी को 7 साल पूरे हो चुके हैं और उनका एक बेटा है तैमूर अली खान। तैमूर अली खान और पैपराजी के बीच रिश्ते पर खुलकर बोली करीना कपूर खान। मीडिया द्वारा तैमूर की फोटोज खींचने पर बोली करीना। करीना ने कहा तैमूर को देना चाहती है नॉर्मल अपब्रिंगिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना ने बताया कि जब वो भी तैमूर की फोटो लेना चाहते हैं, तो वो कहता है कि नो फोटोज। वो ऐसा कहना सीख गया है जिससे उन्हें चिंता होने लगी है। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के घर में हुई एक और सदस्य की एंट्री। शादी की सालगिरह से पहले एक्ट्रेस ने पति को दिया गिफ्ट। प्रियंका चोपड़ा ने अपने नए फैमिली मेंबर की फोटो और वीडियो भी शेयर की है जिसने खूब धमाल मचाया है। प्रियंका चोपड़ा ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान रिवील किए अपने हॉलीवुड ड्रीम्स। उन्होंने अपने हॉलीवुड में एंट्री के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें सभी के पास जाकर कहना पड़ता था कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ और बॉलीवुड में मैंने खूब सारा काम किया है। प्रियंका ने बताया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड अपने आप में एक बड़ा नाम है और उनकी वैल्यू और ताकत दुनिया को दिखाना बेहद जरूरी है। अपने काम से वो साबित करना चाहती है कि इंडियन एक्टर्स में वही क्षमता है जो उनमें भी है।